अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक है। और जो बहन भाई दुख और तकलीफ में, अल्लाह पाक उनकी दुख और तकलीफ को दूर अता फरमाए। जो बहन भाई बाहर के मिलक है, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली। इसी रेख दो के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो है ना, मैं बना रही हूँ साग, आलू और साग बना रही हूँ। साग हमने उबाल के रखा हुआ था मकान मालिक इनके घर, हमने फ्रिज में रखवाया है। और बाकी सारी सब्जी मैंने बना ली है, आलू भी काट ली है और आग भी जल रही है। तो अभी जो है ना, मैं बनाऊंगी, इसको बनाना शुरू करते हैं। फिर जाऊंगी वहां से साग भी ले आऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स देखें, सर्दी इतनी ज्यादा है आज, तो बहुत ही मतलब के ठंड बनी हुई है और बादल से बने हुए झड़ बना हुआ है। आज तो धूप सही से निकली भी नहीं है, बस जरा सी देर आई थी फिर चली गई, फिर सारे बादल बन गए। तो अब इतनी सर्दी है और मैंने तो आग जलाई हुई है, आग पे बैठी हुई हूँ तो थोड़ा सुकून मिला है। सारा काम मैंने किया है, बर्तन धो के रखे हैं, आटा गूंदा है। तो मैंने कहा चलो अभी सालन बना लेती हूँ, फिर रोटी भी बना लूंगी। और भी बस अम्मी को जो है ना बुखार है 3 दिन से, इस वजह से हम वीडियो भी नहीं डाल सके हैं। और अम्मी की जो है आज कुछ तबीयत बेहतर थी, तो अभी अम्मी को फिर से बुखार आ गया, वो अभी जो है सो रही हैं। और क्या कहते हैं, काम भी बस बिल्कुल भी नहीं है हमारा, दिहाड़ी मजदूरी। आपको पता है कि इस मौसम में काम वैसे भी नहीं होता, और ना ही कोई मतलब के सब्जियों वाला इतना काम होता है। तो इस वजह से जो है ना, 3 दिन हो गए हम हैं भी घर पर और काम का पता किया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अभी काम नहीं है। तो अभी जो है ना, बस मैंने प्याज डाल दी है, सालन बना लेती हूँ। तो व्यूअर्स से मसाला मैंने अच्छे से बना लिया है, टमाटर भी डाल दिए थे मैंने, मसाला बना लिया है। अब इसके अंदर जो है ना, मैं आलू शामिल करूँगी। अजानें हो रही थी तो इस वजह से हमने वीडियो नहीं चलाई। अभी अजानें ख़त्म हुई है मगरिब की, मगरिब का टाइम हो गया है, अभी अंधेरा भी हो जाएगा। सर्दियों में तो वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है, मगरिब की अजान के बाद ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है ना आधी रात हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू में शामिल करके अच्छे से इसको भून लेते हैं, इसकी भुनाई कर लूंगी। पतीली भी हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू हमारे भुनाई हो गए हैं, इसके अंदर अब हम अपना साग शामिल कर देते हैं। चलें जी, साग हमने शामिल कर दिए हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमने साग भी अपना शामिल कर लिया है, अभी इसको अच्छे से 5 मिनट पका लेंगे और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सालन बनाकर उसके बाद मैं जल्दी से रोटियां बना लूंगी। और जो बहन भाई चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, सवाब के तौर पर नहीं समझ के सब्सक्राइब करना है। और हमारी वीडियोज़ को भी फुल वॉच किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।